वेलकम बैक टू अनदर वीडियो एंड जय हिंद। कैसे हो मेरे भाई? एंड अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो गाइस बिल्कुल ही फ्री है, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, बेल आइकन पे प्रेस कर दो। गाइस इस वीडियो के अंदर 17,000 यानी 17,000 के अंदर मैं आपको यहां पे 5 ऐसे कमाल के स्मार्टफोन बताने वाला हूं जिसके अंदर आपको हर एक चीज देखने को मिलेगी जो कि आपके प्राइस के हिसाब से आपको कमाल के स्पेक्स देखने को मिल जाएंगे। एंड आपको वीडियो को पूरा देखना जरूरी है बिकॉज यहाँ पे अलग अलग ब्रांड के अलग अलग स्मार्टफोन्स मैं आपको बताने वाला हूँ 17,000 के प्राइस के अंदर। डोंट वेस्ट एनी टाइम एंड लेट स्टार्ट। नंबर 5 के ऊपर आता गाइस हमारे पास Redmi की तरफ से आने वाला Redmi Note 11s जो कि लेटेस्ट ही डिवाइस है जिसके अंदर गाइस आपको यहां पे 6.4 इंचेस का फुल HD सुपर AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल जाता है जो कि 90 GHz रिफ्रेश रेट के साथ आता है। Gorilla Glass 3 की प्रोटेक्शन है, 1000 की नीट्स ब्राइटनेस देखने को मिलती है एंड गाइस 180 का टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है जो कि गेमिंग के लिए मैं कहूंगा काफी अच्छा। इस डिवाइस की जो डिस्प्ले है वो काफी अच्छी है। इस डिवाइस के अंदर अगर गाइस प्रोसेसर की बात करें तो आपको यहाँ पे MediaTek Helio G96 एक 12 nm बेस्ड वाला 4G चिपसेट देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है एंड गाइस 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है। ये एक 4G डिवाइस है बट गाइस ये कंप्लीट पैकेज है, आपको यहाँ पे कोई भी चीज़ का कॉम्प्रोमाइज है जो नहीं करना पड़ेगा। गाइस यहाँ पे अगर हम कैमरा मॉडल की बात करें तो क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, बैक की तरफ 108 MP का मेन कैमरा सेंसर, 8+2+2 एंड 16 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। गाइस ये डिवाइस तो गेमिंग के साथ साथ जो कैमरा डिवाइस भी मैं इसको काउंट करता हूं एंड गाइस कैमरा भी इस डिवाइस का काफी अच्छा है। एंड गाइस आपको यहां पे हाइब्रिड सिम स्लॉट देखने को मिलता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर देखने को मिलता है, 3.5 mm जैक एंड आपको सभी के सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं, कोई भी कमी आपको नहीं देखने को मिलती। रैम एंड स्टोरेज की बात करें तो गाइस 6+64 GB रैम वेरियंट वाला आपको 16,500 के अंदर देखने को मिल जाता है एंड गाइस ये डिवाइस आपको 15,000 के अंदर देखने को मिलेगा। ऑफर वगैरह कार्ड वगैरह लगा के मे बी हो सकता है कि 500 की छूट आपको और भी देखने को मिल जाए। सो गाइस जितने भी फोन्स इस लिस्ट के अंदर मैं आपको बताऊंगा बेस्ट लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे एंड आप जब कोई सेल हो या इनके ऊपर ऑफर हो तभी आप इन डिवाइसेस को परचेस करें, कुछ 5-6 दिन बाद ऑफर आते रहते हैं एंड ये सभी के सभी डिवाइस आपको वैल्यू फॉर मनी आपको जो निकाल के देंगे एंड आप अपने ब्रांड के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन है जो चूज कर सकते हो। सो गाइस अगर आप रेडमी की तरफ जाना चाहते हो तो Redmi Note 11s आपको एक 4G डिवाइस चाहते हो तो बेस्ट मैं कहूंगा कि 16,500 के अंदर एंड जिसके अंदर आपको 6+64 GB रैम वेरिएंट आपको देखने को मिल जाता है जो कि एक गेमिंग और कैमरा डिवाइस है। सो गाइस इस लिस्ट के अंदर नंबर 4 के ऊपर आता है हमारे पास एक नॉन चाइनीज ब्रांड जिसका नाम है Samsung Galaxy F23 5G। यस गाइस Samsung की तरफ से आने वाला एक 5G डिवाइस जिसके अंदर आपको 6.6 इंचेस का फुल HD TFT डिस्प्ले देखने को मिलता है। प्रोसेसर की बात करें तो Qualcomm Snapdragon 750G एक 8 nm बेस्ड एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है, डेडिकेटेड आपको सिम स्लॉट देखने को मिलता है। Android 11 के ऊपर आता है एंड One UI आपको 3.0 के साथ वर्क करता हुआ दिखाई देता है, लेटेस्ट ही आपको Android 12 का अपडेट भी इसके अंदर देखने को मिल जाएगा। अनदर फीचर की बात करें तो साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर, 5000 mAh की बैटरी, 25 वोल्ट का फास्ट चार्जर, ट्रिपल कैमरा सेटअप आपको देखने को मिलता है, मेन कैमरा सेंसर 50 MP का एंड गाइस 8 MP के सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो गाइस यहां पे 4+128 GB रैम वेरिएंट 16,000 के अंदर देखने को मिलता है एंड 6GB 128 GB रैम वेरिएंट आपको 17,000 के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस आपको वैल्यू फॉर मनी है जो 16,000 की तरफ ज्यादा आपको जाना चाहिए एंड 4+128 GB रैम वेरिएंट है जो 16,000 के अंदर वैल्यू फॉर मनी निकल के आता है एंड मैं कहूंगा कि ट्रूली 5G स्मार्टफोन है एंड आपको यहां पे मल्टीपल 5G बैंड देखने को मिल जाते हैं, अच्छा कैमरा है, अच्छा प्रोसेसर है, अच्छी परफॉर्मेंस आपको देखने को मिलेगी एंड डिस्प्ले आपको TFT देखने को मिलती है। बस यही यहां पे एक नेगेटिव पॉइंट है, बाकी आपको यहां पे कोई भी चीज की कमी है जो नहीं देखने को मिलेगी। सो गाइस इस लिस्ट के अंदर नंबर 3 के ऊपर आता है हमारे पास पोको की तरफ से आने वाला पोको M4 Pro 5G। यस गाइस ये भी एक लेटेस्ट डिवाइस है, अपने प्राइस के हिसाब से काफी अच्छे स्मार्टफोन आपको काफी अच्छे स्पेक्स के साथ प्रोवाइड करता है। 6.6 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 90 GHz रिफ्रेश रेट के साथ आते 240 का आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है। प्रोसेसर की बात करें तो गाइस इस डिवाइस के अंदर आपको MediaTek Dimensity 810 810 वाला एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है जो कि 6 nm बेस्ड है और मल्टीपल 5G बैंड का आपको सपोर्ट देखने को मिलता है। अनदर फीचर की बात करें तो गाइस यहां पे आपको Android 11 के साथ MIUI अपडेट के साथ देखने को मिलता है, 5000 mAh की बैटरी है, 33 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, डुअल कैमरा देखने को मिलता है, यहाँ पे कैमरा मैं कहूँगा इतना अच्छा नहीं है एंड 50 MP का आपको मेन कैमरा सेंसर देखने को मिलता है, 16 MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिलता है। ठीक है इस कैमरा इसका एवरेज है, बाकी परफॉर्मेंस इस डिवाइस की काफी कमाल की है। अनदर फीचर की बात करें तो गाइस यहाँ पे 3.5 mm जैक देखने को मिलता है, 8.8 mm की थिकनेस के साथ हाइब्रिड सिम स्लॉट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट एंड बेस्ट डिजाइन पोको की तरफ से आने वाला काफी कमाल का डिजाइन देखने को मिलता है। फाइनली प्राइसिंग की बात करें गाइस 4+64 GB रैम वेरियंट आपको 15,000
5000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है, और 6+128GB रैम वेरियंट आपको 17000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। सो गाइस, अपने प्राइसिंग के हिसाब से पोको M4 Pro 5G काफ़ी अच्छा और काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। सो गाइस, इस लिस्ट के अंदर नंबर सेकंड की तरफ आता है हमारे पास, सेकंड नंबर के ऊपर आता है मेरे भाई एक गेमिंग डिवाइस जो कि काफ़ी कमाल का है और काफ़ी अच्छे स्पेक्स के साथ हर एक चीज़ आपको कंप्लीट पैकेज देता है। बिकॉज आपको यहाँ पे 6.5 इंचेस की फुल HD IPS डिस्प्ले देखने को मिलती है जो कि 460 nits ब्राइटनेस के साथ आती है, और 120 का आपको यहाँ पे टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिलता है। 120 GHz रिफ्रेश रेट डिस्प्ले, 240 का टच सैम्पलिंग रेट, 3.5mm जैक, एंड्रॉयड 12 के ऊपर आता है, फन टच OS के साथ आपको वर्क करता हुआ दिखाई देगा। एंड गाइस, यहाँ पे कुलकॉम स्नैपड्रैगन 695 एक 6nm बेस्ड एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है। 5000mAh की बैटरी देखने को मिलती है, 18 वोल्ट का फास्ट चार्जर देखने को मिल जाता है, ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 50MP प्लस 13MP का आपको सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे आपको सभी के सभी सेंसर देखने को मिल जाते हैं। गेमिंग डिवाइस है, मैं कहूँगा गाइस अच्छी खासी गेमिंग कर पाओगे, अच्छा कैमरा देखने को मिलता है, एंड परफॉर्मेंस भी काफ़ी अच्छी आपको यहाँ पे देखने को मिल जाती है। सुपर एमोलेड डिस्प्ले तो नहीं है, बट गाइस यहाँ पे डिस्प्ले फिर भी काफ़ी अच्छे और ठीक ठाक देखने को मिल जाते हैं। बिकॉज यहाँ पे प्राइसिंग की बात करें तो 4+128GB रैम वेरियंट आपको 15000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। इसके साथ आपको 3 वेरियंट और देखने को मिलते हैं जो कि 6GB रैम और 8GB रैम के वाले भी हैं, बट यहाँ पे जो वैल्यू फॉर मनी निकल गया था वो गाइस 4+128GB वाला रैम वेरिएंट है जो कि आपको 15000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। एंड गाइस, यहाँ पे 1200 रुपये का और डिस्काउंट आपको देखने को मिल जाएगा। तो सो गाइस, इस प्राइस रेंज के अंदर ये फोन मैं कहूँगा कि काफ़ी अच्छा स्मार्टफोन है, इसलिए इस डिवाइस को गाइस मैंने नंबर सेकंड के ऊपर रखा हुआ है। सो गाइस, फाइनली बात करते हैं हमारे नंबर 1 वाले डिवाइस की तरफ। एंड गाइस, वो डिवाइस काफ़ी कमाल का है, एंड गाइस एक 5G चिपसेट देखने को मिलता है। बिकॉज वो स्मार्टफोन आता है हमारे पास रेडमी की तरफ से आने वाला, रेडमी नोट 10 प्रो। यस गाइस, 6.6 इंचेस की सुपर एमोलेड एंड फुल HD गोरिल्ला ग्लास 5 की प्रोटेक्शन, 1200 की नीट्स ब्राइटनेस के साथ आपको डिस्प्ले देखने को मिलती है, 120 का यहाँ पे आपको टच सैम्पलिंग रेट देखने को मिल जाता है, एंड्रॉइड 11 के ऊपर आता है, MIUI के साथ वर्क करता हुआ दिखाई देता है। प्रोसेसर की बात करें तो कॉलकॉम स्नैपड्रैगन 732G एक 8nm बेस्ड यहाँ पे चिपसेट देखने को मिलता है, 5000mAh की बैटरी, 33W का फास्ट चार्जर देखने को मिलता है, क्वाड कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, 64MP का मेन कैमरा सेंसर, 16MP का सेल्फी शूटर कैमरा देखने को मिल जाता है, हाइब्रिड सिम स्लॉट, साइड माउंटेड फिंगरप्रिंट सेंसर जैसे आपको सभी के सभी सेंसर, और सेंसर के साथ साथ काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस, काफ़ी अच्छी डिस्प्ले, काफ़ी अच्छा कैमरा आपको ओवरऑल एक कंप्लीट पैकेज इस डिवाइस के अंदर देखने को मिलता है। प्राइसिंग की बात करें तो 6+128GB रैम वेरिएंट आपको 17000 रुपये के अंदर देखने को मिलता है। एंड गाइस, इस प्राइस रेंज के अंदर ये काफ़ी अच्छा और काफ़ी कमाल का स्मार्टफोन है। बाकी आप अपने ब्रांड के हिसाब से कोई भी स्मार्टफोन को चूज़ कर सकते हो, यहाँ पे आपको बाद में पछताना नहीं पड़ेगा। अब ये नहीं है कि गाइस मैंने इसको नंबर 1 पे रखा है तो क्यों रखा है, गाइस यहाँ पे जो ब्रांड के हिसाब से ये सभी के सभी स्मार्टफोन नंबर 1 है, आप कोई भी स्मार्टफोन है जो चूज़ कर सकते हो अपने हिसाब से। बाकी गाइस, यहाँ पे डिपेंड करता है कि आपका ब्रांड पसंद कौन सा, आपको कौन सा ब्रांड पसंद है, आपकी प्राइसिंग कितनी है। जैसे कि यहाँ पे जो लास्ट रेडमी नोट 10 प्रो है वो 17000 रुपये के अंदर है, एंड डिपेंड करता है कि आपको स्पेक्स कैसे चाहिए, उसी के हिसाब से आप यहाँ पे कोई भी स्मार्टफोन है जो चूज़ कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई तो चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक शेयर करना बिल्कुल ही फ्री है मेरे भाई, एंड कीप सपोर्टिंग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय बाय, टेक केयर।